नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आप सभी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवल टॉप 10 लीस्ट यानी कि कम से कम बिकने वाली गाड़ियों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करूंगा वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट होते हैं और गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं जून के महीने में सबसे कम बिकने वाली टॉप 10 कार्स के बारे में आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। इस लिस्ट में पूरे भारत में 10वें पायदान पर आई है निसान की किक्स। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 70 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में 74 यूनिट बेचने के बावजूद ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने इस लिस्ट में ये एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 9,49,990 रुपये से शुरू होकर 14,14,990 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में जॉइंटली 9वें पायदान पर आई है दोस्तों डैटसन की गो और गो प्लस। जून के महीने में पूरे भारत में इन दोनों गाड़ियों की केवल 51 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में रिस्पेक्टिवली गो की 78 और गो प्लस की 62 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ियां इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने इस लिस्ट में ये गाड़ियां भी एक फ्रेश एंट्री हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको डैटसन की गो 3,99,000 रुपये से शुरू होकर 6,45,000 रुपये तक की मिल जाती है। वहीं गो प्लस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 4,19,990 रुपये से शुरू होकर 6,89,990 रुपये तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 8वें पायदान पर आई है महिंद्रा की KUV 100। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 49 यानी कि 49 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में 24 यूनिट्स बेचकर ये गाड़ी छठे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने दो पोजीशन नीचे खिसक कर 8वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 5,50,000 रुपये से शुरू होकर 7,12,000 रुपये तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में 7वें पायदान पर आई है स्कोडा की सुपर्ब। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की मात्र 41 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में 73 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी इस लिस्ट में शामिल नहीं थी। इस महीने इस लिस्ट में ये गाड़ी भी एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 29,99,000 रुपीस से शुरू होकर 32,99,000 रुपीस तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में छठे पायदान पर आई है दोस्तों ह्युंडई की टुसॉन। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 30 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में इस गाड़ी की एक भी यूनिट नहीं बिकी थी। इस महीने इस लिस्ट में ये गाड़ी भी एक फ्रेश एंट्री है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 18,76,656 रुपीस से शुरू होकर 26,97,417 रुपीस तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में 5वें पायदान पर आई है टोयोटा की कैमरी हाइब्रिड। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 26 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में 13 यूनिट बेचकर ये गाड़ी चौथे पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये गाड़ी 5वें पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 39,02,000 रुपीस तक की मिल जाती है। अगली गाड़ी इस लिस्ट में पूरे भारत में चौथे पायदान पर आई है स्कोडा की ऑक्टाविया। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 21 यूनिट्स बिकी हैं, वहीं मई के महीने में 32 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी 8वें पायदान पर थी, लेकिन इस महीने 4 पोजीशन ऊपर उठकर ये गाड़ी चौथे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 35,99,599 रुपीस तक की मिल जाती है। इस लिस्ट में पूरे भारत में तीसरे पायदान पर आई है दोस्तों ह्युंडई की इलेंट्रा। जून के महीने में पूरे भारत में इलेंट्रा की केवल 15 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में मात्र 6 यूनिट बेचने के बावजूद भी ये गाड़ी तीसरे पायदान पर ही बनी हुई थी।
एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 17,60,000 रुपीज से शुरू होकर 20,65,000 रुपीज तक की मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। पूरे भारत में दूसरे पायदान पर आई है दोस्तों होंडा की सिविक। जून के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की केवल 14 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में एक यूनिट बेचकर ये गाड़ी नंबर वन के पायदान पर थी, लेकिन इस महीने एक पोजीशन नीचे खिसक कर ये दूसरे पायदान पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 18,04,000 रुपये से शुरू होकर 21,35,000 रुपये तक की मिल जाती है। अब मुड़ते हैं आखिरी पड़ाव पर दोस्तों और बात कर लेते हैं इस लिस्ट में पूरे भारत में नंबर वन के पायदान पर आई है होंडा की CRV। जून के महीने में पूरे भारत में CRV की केवल 2 यूनिट बिकी हैं, वहीं मई के महीने में भी इसकी मात्र 2 यूनिट ही बिकी थी, लेकिन मई के महीने में ये गाड़ी दूसरे पायदान पर थी, इस महीने ये पहले पोजीशन पर आ गई है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 28,37,359 रुपए की यानी कि 28,37,359 रुपीस तक की मिल जाती है। तो कुल मिलाकर ये थी वो 10 गाड़ियां जो जून के महीने में टॉप 10 लीस्ट यानी कि सबसे कम बिकने वाली गाड़ियों की लिस्ट में शामिल हुई हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।